सब्सक्राइब कर दो, बहुत अच्छा लगा। अबे लाइक सब्सक्राइब कर दो, लाइक सब्सक्राइब कर दो प्लीज। गाइस कैसे आप सभी, मैं उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जाने वाले मूर्थल, मेरे साथ है विवेक और हमारे साथ पूरा सामान जो है वो यहाँ पे सेट हो चुका है। ये हमारा बैग है और हम जाने वाले हैं आज हम बाइक से पूरा मूर्थल, वो भी नाइट आउट के रूप में। नाइट आउट करेंगे फुल और आज इन्जॉय करेंगे और जैसा भी होगा रास्ते में बताएंगे। अभी जो टाइम है 10 बज रहा है, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं वहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में और दिखाते हैं अपनी अपनी बाइकें और चलते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase and leave. तो दोस्तों हम आ चुके हैं सिंधु बॉर्डर, देख सकते हैं काफी रस जो था रास्ता था काफी रस था, उसमें धूल मिट्टी इस तरीके से। तो ये रही हमारी पीछे बाइक खड़ी, पीछे दिल्ली रहा और ये रहे पीछे दो अतिरिक्त दोस्त सिंधु और ये हमारे पीछे सिंधु बॉर्डर का पूरा सीन। और चलते हैं लोकेशन पे और देखते हैं, मिलते हैं वीडियो में। तो यहाँ से थोड़ा निकलने वाले हैं, तो हमारी बाइक तैयार, हमारे जवान तैयार। तो हेलमेट फर्स्ट प्रायोरिटी, हेलमेट पहन लेंगे उसके बाद ही कहीं निकलेंगे। हेलमेट लिया है पहन और हम बैठ रहे गाड़ी पे और ये निकलते हुए हमारे दिलेश भाई ड्राइवर। चलिए भाई, फाइनली हम आ चुके हैं गरम धरन ढाबे पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारा क्राउड है और जिस रास्ते से हम आए जो कि सिंधु बॉर्डर हाईवे था, काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड, काफ़ी ज़्यादा रस, काफ़ी ज़्यादा धूल भरा था। तो फिर भी हम आए कोशिश करते हुए और यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो आगे यहाँ का इको सिस्टम है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे किड्स के लिए यहाँ पे सेक्शन बना, झूले हैं और यहाँ पे पार्किंग है, देख सकते हैं। आप बाइक पार्क करने थे यहाँ पे करेंगे और कार पार्क कर रही थी मेरे पीछे इस तरफ इस सेक्शन में और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है बाहर से। तो चलो चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं। ये रहे मेरे मित्र और ये दूसरों के मित्र। वाओ ब्यूटीफुल, फाइनली हम अंदर आ चुके हैं। इसके अंदर का इंटीरियर काफी ब्यूटीफुल है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, मैं दिखाता हूँ आप सभी। गरम धरम ढाबे पे आए थे, आपके खास मुख्य दो आकर्षण लगे मेरे को जो स्पेसिफिक होगा बहुत ज़्यादा पसंद आए। एक तो ये ऊँट की सवारी, तो मैं भैया से बात कराता हूँ और उनके जानता हूँ क्या है रेंट वगैरह, जो कि मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे राइड करते नजर आ रहे हैं पीछे यहाँ पे, और मेरे पीछे पे सामने टावर देख सकते हैं यहाँ पे, यही वो टावर है जिसपे बोला था बसंती इनको, जो भी डायलॉग आप समझ रहे हो, डायलॉग तो एग्जैक्ट याद नहीं है पर ये पूरा जो सेटअप है पूरा शोले फिल्म का है। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे भाई जो कि यहाँ पे काम करते हैं, ये इनका ऊँट है। ये ऊँट कहाँ से लाए हैं आप? ये राजस्थान का, जयपुर का है, राजस्थान जयपुर। क्या फेयर क्या है?
जो भी सर किराया वगैरह जो मतलब कितना चार्ज लेते हैं? लगता है इसका एक आदमी का, एक राउंड का, एक राउंड का, राउंड भी काफी बड़ा है दोस्तों। यहाँ पे आना तो आप जरूर कर सकते हैं ना। आपका नाम? शुभ नाम? दीपक मोरे। दीपक मोरे, चैनल बोल दो, लाइक सब्सक्राइब करें, लाइक सब्सक्राइब करें और फॉलो करें भैया, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें। चलो भैया की भावना समझे। तो दोस्तों ये जो होटल था काफी अच्छा था, यहाँ की जो प्राइसिंग है वो भी काफी अच्छी थी, खाना भी था बड़ा ही टेस्टी था। और इस होटल की खास बात की धर्मेंद्र जी का, और इसके अंदर जितनी भी सोले की जितनी भी शूटिंग हुई है, जो भी व्हीकल्स है, कार है, बसेस है, और छोटे मीटर के यहाँ पे आपको सेल्फी लेने की सुविधा यहाँ पर जरूर से आ सकते हैं। तो मैनेजर में होटल जो है काफी अच्छा है, और आप जरूर से आए यहाँ पे, और जरूर से आप इसको बहुत ही ज्यादा प्यार देंगे, और काफी अच्छा होटल है। लाइक सब्सक्राइब कर दो प्लीज।